हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैजिक शॉप। एंड आज का जो वीडियो है साउथ की मूवी है, मूवी काफ़ी सस्पेंस एंड थ्रिल मूवी है। इसका नाम है अकाली रात्रि, दैट मीन्स कि हिंदी में होता है घातक रात। मूवी 2018 की है। आईएमडीबी रेटिंग है इसकी 7.9 आउट ऑफ 10 एंड 95% गूगल यूजर्स ने इसको काफ़ी पसंद किया है। एंड मूवी रियली में काफ़ी अच्छी लगी मुझे। सो मैं टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करती हूँ एक्सप्लेनेशन। आई होप सबको पसंद आएगा। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करती हूँ एक्सप्लेनेशन। मूवी के फर्स्ट सीन दिखाते हैं वहाँ पे कि एक घर होता है जो जल रहा होता है और वहाँ बहुत सारे लोग भी खड़े थे जो कि गाँव के लोग थे। ये घर क्यों जला, किस लिए जला, इसके लिए हमें जाने के लिए जाना पड़ेगा फ्लैश बैक में। मूवी के फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वहाँ एक बाबा जी होते हैं जो सबको प्रवचन दे रहे होते हैं एंड बोल रहे होते हैं कि हमें इंसानों को लालच नहीं करना चाहिए, लालच का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता है। वहीं हम देखते हैं जो लोग प्रवचन सुन रहे होते हैं उसमें से एक होती हैं गौरम्मा एंड उनकी बेटी मल्लिका। मल्लिका को उनकी बातों से कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, वो उस चीज़ से काफ़ी इरीटेट हो रही होती है कि माँ को क्या पड़ी है सुनने की। अपने माँ को बहुत टोंट मारती हैं जिससे उनकी माँ इरीटेट होकर वहाँ से जाने लगती हैं। वहीं हम देखते हैं कि जो मल्लिका होती है वो बोलती है ये बाबा लोग को पैसे मिलते हैं इसलिए सीधे से बातें बोलते हैं, वो पैसे ना मिले तो वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। वह देखते हैं वो लोग घर जा रहे होते हैं एंड उसके बाद दिखाते हैं वहाँ पे उसके पापा होते हैं जो उनका नाम होता मथन्ना। मल्लिका के जो फादर थे वो कुछ भी काम नहीं करते थे, इसकी वजह से उन्होंने अपनी जो ज़मीन थी, जितनी भी घर थी, उन्होंने एक सेठ के पास में गिरवी रख दिया था। वहीं देखते हैं गांव की एक लेडी होती है जो बहुत तकलीफ़ में होती है, उसकी डिलीवरी की डेट आ चुकी होती है और गौरम्मा उसकी डिलीवरी अच्छे से कराती हैं। यहाँ सीन चेंज होता है, दिखाते हैं कि एक आदमी होता है जो अंधा होता है और बांसुरी बेच रहा होता है और उसका नाम होता है कनप्पा। उसकी पहचान होती है एक अनजान इंसान से जो गाँव में न्यू होता है, उसका नाम होता है केशव। वहीं दिखाते हैं कि मल्लिका के घर पे एक साधु आता है और उसको बोलता है कि तुम लोगों के पास में बहुत सारा धन आने वाला है, तुम लोग बहुत जल्दी ही अमीर बनने वाले हो, बट तुम्हारे पर डिपेंड करता है तुम इस धन को कैसे यूज़ करोगे। ये सुन के मल्लिका बहुत गुस्सा करती है, उसको वहाँ जाट के भगा देती है। मल्लिका का सपना होता है कि मैं अच्छी लाइफ जीऊँ, अमीर बन के रहूँ और अच्छी से शादी करूँ। साधु के जाते ही वहाँ पे जो केशव था वो आता है एंड उनको अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं केशव चंद हूँ और मैं ऐसे गांव-गांव घूमता रहता हूँ और मैं चित्र देख के कविता लिखता हूँ। इंट्रोडक्शन के बाद वो बोलता है क्या मैं यहाँ पे एक रात रुक सकता हूँ क्योंकि दूसरे गांव जाते जाते बहुत टाइम हो जाएगा, तो मुझे एक रात रुकने के लिए परमिशन दे दीजिए। केशव की बात सुन के मथन्ना बोलता है हम बहुत गरीब हैं, हम तुम्हें खाना भी ठीक से नहीं खिला सकते। ये सुनने के बाद में जो मल्लिका होती है वो बोलती है हाँ ठीक है, हमारे साथ रहना, रहो, जो देंगे वो खा लेना, नखरे मत करना। ये सुन के वो लोग उठ जाते हैं वहाँ पर, उसको रखते हैं घर पर अपने केशव को। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं कि जो मथन्ना होता है उसको चाय पीने की इच्छा होती है पर घर में पैसे नहीं होते हैं कि चाय पत्ती भी आ सके। ये देखिए केशव मथन्ना को पैसे देता है कि हाँ चाय पीना है, तुम जाओ उस पैसे से चाय पत्ती लेके आओ। हम देखते हैं कि जो केशव होता है वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा होता है, जिसको देख के मल्लिका का थोड़ा सा उसके ऊपर अट्रैक्शन हो जाता है कि ये कितना हैंडसम है बोल के ऐसा। फिर यहाँ दिखाते हैं कि जो मकान मालिक था जो उसके ऊपर लोन था लोगों का काफ़ी, वो वहाँ आता है और काफ़ी लोगों को इंसल्ट फील कराता है कि तुम लोग पैसे नहीं दे रहे हो मेरे, ये ऐसा वैसा है। एंड साथ ही में वो जो मल्लिका थी उसके ऊपर बुरी नज़र डालता है, उसको बोलता है कि तुम शादी कर लो मेरे से, ऐसा वैसा। ये देखने के बाद में मल्लिका होती है उसको इंसल्ट करती है, सेठ को वहाँ से भगा देती है। फिर दिखाते हैं सेठ के जाने के बाद में जो केशव था वो अंदर जाता है, वहाँ से एक सूटकेस लेके आता है, सूटकेस में काफ़ी पैसे होते हैं एंड काफ़ी खासी ज्वेलरी भी होती है। वो बोलता है जितनी चाहिए इतना ले लो और सारा अपना लोन जो है माफ़ करा लो। ये सुन के वो लोग बोलते हैं कि पता नहीं पैसे चोरी के हैं किसके हैं, हमको नहीं चाहिए, हम नहीं लेंगे। पर उसको केशव बोलता है कि नहीं, सब पैसे मेरे कमाया है, मेरे मेहनत का पैसा है, तुम आप ले सकते हो उसको। केशव के इंश्योर करने के बाद भी मथन्ना गौरम्मा पैसे नहीं लेते हैं। वह दिखाते हैं कि सीन चेंज होता है, जो मल्लिका थी उसका थोड़ा सा नियत चेंज होता है, उसको इतने सारे पैसे देख के लालच आता है मन में। वो वापस से आती है केशव के पास उसके रूम में और बोलती है क्या मैं ये गहने एक बार पहन के देख सकती हूँ। और वहीं हम देखते हैं जब केशव अपना सूटकेस खोल रहा होता है उस टाइम पे जो मल्लिका होती है वो उसको सीड्यूस करने की कोशिश करती है। ये देख के जो केशव होता है काफ़ी गुस्सा करता है, उसको डांटता है कि एक अनजान आदमी के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। ये सुनने के बाद में जो मल्लिका होती है वो उसको बोलती है मैं तो सिर्फ तुमको अपनी चोट दिखाने आई थी और कुछ भी नहीं, ये बोल के वहाँ से चली जाती है वो। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि जो केशव चंद था वो आता है गौरम्मा के पास में, उसको बोलता है कि माँ जी मुझे आज चिकन खाने का मन है। ये सुन के वो काफ़ी घबरा जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं चिकन के लिए। और केशव से जानता होता है, वो देता है मथन्ना को पैसे कि हाँ अंकल जी आप जाके चिकन लेके आइए, आज हम सब चिकन खाएंगे।
दिखाते हैं कि केशव पैसे देके चलाता है वॉशरूम अपने हाथ धोने के लिए, वहीं दिखाते हैं कि जो मलिका होती है वो अपने माँ को बोलती है हमें ये सारे पैसे लूटने होंगे और साथ ही केशव को मारना होगा ताकि हम अपनी लाइफ अच्छी बना सकें, ये कब तक हम गरीबी में जिएंगे, हम मुझे और गरीबी में नहीं जीना है। ये सारी बातें मथन्ना सुन लेता है और उनके साथ वो भी केशव के मर्डर के लिए प्लानिंग करने लगता है। वहीं देखते हैं ऐसा प्लानिंग कर ही रहे होते हैं, इतने में वहाँ पे केशव आता है और पूछता है क्या प्लानिंग चल रही है सबकी। यहाँ पे जो मथन्ना होता है बड़ी ही चलाकी से उसकी बात को टाल देता है कि मैं सिर्फ हिसाब दे रहा था। फिर हम देखते हैं कि मथन्ना अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के बोल के जाके शराब पीने लगता है और काफ़ी देर तक नहीं आता है, जिससे कि मल्लिका थी वो काफ़ी गुस्सा होती है और बोलती है वो शराबी का कोई भरोसा नहीं है, वो शायद ना भी आए तो हमें कुछ करना पड़ेगा। ये सुन के जो गौरम्मा थी वो बोलती है हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि खून ना बहे, क्योंकि जो गौरम्मा थी वो एक नर्स थी, दाई थी, तो उसको पता था अच्छे से कि पौधे या उनकी जड़ी बूटियों के बारे में। और दिखाते हैं कि जाती है एक जंगल में और वहाँ से एक जहरीला पौधा लेके आती है, कुछ उसके पत्ते तोड़ के लेके आती है एंड उसको पीस के खाने में मिला देती है ताकि केशव खा के मर जाए। वही सीन चेंज होता, दिखाते हैं कि घर पे केशव जो होता है वो खाना खाने बैठा होता है एंड वही जहर वाली थाली उसको दी गई होती खाने के लिए। केशव खाना खाने वाला ही होता है, इतने में जो गौरम्मा थी वो बोलती है तुम्हारे हाथ गंदे लग रहे हैं तुम इसको धो के आओ। वो जैसे ही हाथ धोने जाता है वहाँ पे दो पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस वाले बोलते हैं कि पास के घर में एक चोरी हुई है एंड हमको शक है कि चोर कहीं आसपास के घर में है, अगर आपको कोई ऐसा दिखे तो हमको इन्फॉर्म करो। पुलिस वाले जा ही रहे होते हैं, इतने में उनको चिकन की खुशबू आती है और वो खाना खाने के लिए बोलते हैं गौरम्मा को। गौरम्मा बोलती है हाँ आप अंदर आके खाना खा सकते हैं। जैसे ही दोनों अंदर आते हैं खाना खाने के लिए वहीं दिखाते हैं कि वो केशव की थाली में खाना खाने वाले होते हैं, इतने में ही गौरम्मा बोलती है ये थाली मेरी जूठी है और उनके लिए अलग थाली लगा देती है खाने के लिए। वो दोनों खाना खा लेते हैं और जो जहर वाली थाली होती है वो गौरम्मा ले जा रही होती है, वहाँ से घबराहट में थाली गिर जाती है और वो खाने को जो उनका कुत्ता था वो खा लेता है, उनके पास एक कुत्ता भी होता है। एंड देखते हैं कुछ टाइम बाद में जब वो पुलिस वाले जा रहे होते हैं वो कुत्ता वहाँ पर सोया हुआ रहता है, दैट मीन्स वो कुत्ता वहाँ मर चुका होता है खाना खा के। अपना कुत्ता मरा हुआ देख के उनको अफसोस तो होता है बट उसको लिए लोग नहीं टाइम पास करते, जाते सीधा उसको खेत में गाड़ देते हैं। वहीं दिखाते हैं ये सब चीज़ों से इतना डर जाती है गौरम्मा कि वो दूसरी बार केशव के खाने में जहर डालना भूल ही जाती है और केशव को बिना जहर वाला खाना परोसती है। जब मलिका को पता चलता है कि गौरम्मा ने खाने में जहर नहीं मिला बहुत गुस्सा करती है और बहुत डांटती भी अपनी माँ को कि तुम मेरा भला नहीं चाहती हो, और वो चाकू लेकर जाती है और केशव गला काट देती है। वहीं दिखाते हैं ये देख के जो गौरम्मा थी वो रूम में देखती है खून और टाइप काफ़ी उसके मुँह से चीख निकलती डर से, और वो चीख की आवाज़ जो कनप्पा था जो बांसुरी बेचने वाला था उसने सुन लिया होता है। पापा पूछता है क्या हुआ माँ जी आप चीखी क्यों, तो उस टाइम पे जो मल्लिका होती है उसको डांट के भगा देती है, पर कनप्पा को कुछ तो अजीब लगता है क्योंकि वो जो जूते उसने इस टाइम फर्स्ट टाइम पे नदी पे छुए थे वो उसको वहाँ पे भी मिलते हैं। फिर यहाँ सीन चेंज होता है, दिखाते हैं कि शराब के ठेके पे मथन्ना होता है वो घर के लिए निकलने वाला होता है, इतने में जो वेटर था वो उसको बताता है तुम्हारे घर पे कोई आया हुआ है ना। ये सुन के मथन्ना बोलता है तुम्हें कैसे पता। उस टाइम पे जो वेटर होता है उसको बोलता है कि वो कोई और नहीं तुम्हारा ही बेटा है जो 6 साल की उम्र में भाग गया था घर से। हम व्यूवर्स को समझ आ चुका होता है कि ये जो केशव चंद है वही सिब्बू है जो कि इनका ही बेटा है मथन्ना और गौरम्मा का, जो 6 साल की उम्र में भाग गया था और बहुत सारे पैसे कमा के ये इनके जितने भी प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करने के लिए आया था और उनको नेक्स्ट मॉर्निंग ये सरप्राइज देने वाला था कि मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ, इसीलिए उसने अपनी असली आइडेंटिटी उनको नहीं बताई थी। ये बात जैसे ही पता चलती है मथन्ना को, वो भाग के घर आता है एंड देखता है कि वहाँ पे जो केशव था उसको पहले ही मल्लिका मार चुकी होती है एंड वो बहुत रोने लगता है एंड रोते रोते उसने अपनी बेबी को बताया कि ये मेरा ही हमारा ही बेटा है। एंड उस टाइम पे केशव के हाथ में एक डायरी होती है जिसमें कि उसमें सब फोटोज़ और कविता लिखी होती हैं कैसे वो घर से भागा था, किस लिए भागा था, क्या रीज़न था। और वहाँ से कहानी आती है फ्लैशबैक में, जहाँ दिखाते हैं कि जब मल्लिका और सिब्बू छोटे थे उस टाइम पे मल्लिका की चोटी सिब्बू ने काट दी थी जिसके कारण उसकी माँ ने उसे बहुत गुस्सा किया और उसको मारने के लिए दौड़ा लिया, वो माँ से बचने के लिए घर छोड़ के भाग गया, वापस कभी नहीं आया था। ये सब जानने के बाद में मल्लिका को बहुत गुस्सा आता है, अपने आप को बहुत कोसती है और सब लोग रोने लगते हैं। वो तीनों इतने गिल्ट में होते हैं, इतने तकलीफ़ में होते हैं उस टाइम पे कि जो गौरम्मा थी वो जहर वाला खाना लेके आती है एंड तीनों उसको मिलके खाते हैं। खाने के बाद में जो मथन्ना था वो पूरे रूम में कॉटन बिछा देता है एंड उसी कॉटन में आग लगा देता है और तीनों लोग सिब्बू के साथ में चारों लोग मर जाते हैं जल के। और कनप्पा जब तक पूरे गाँव वालों को बुला के लाता है तब तक ये पूरा घर जल चुका होता है और यहीं पर मूवी द एंड हो जाती है।
सो गाइस, मूवी पूरी इतनी ही थी कि लालच का अंत कभी भी अच्छा नहीं होता है, जैसा कि स्टार्टिंग में प्रवचन में दिखाया गया था हमको। एंड ये मूवी भी तुम्बाड़ से काफ़ी मिलती जुलती है, क्योंकि यहाँ पे भी लालच था, यहाँ पे भी लालच है। अगर उन्होंने अपनी लालच नहीं बढ़ाई होती है, खासतौर पर मल्लिका ने, तो शायद उनका भाई उनके साथ होता, वो सब भी जिंदा होते, पर लालच की वजह से इतना सब कुछ हो चुका। मूवी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी बड़ी नहीं है, आप उसको देख सकते हो। और ये मूवी आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी हिंदी में, बट उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, साथ ही साथ अच्छे अच्छे कमेंट्स करने होंगे। एंड आपको कोई सजेशन है या कोई मूवी देखनी है आपको कि जिसको मैं एक्सप्लेन करूँ, तो आप उसके लिए भी मुझे बोल सकते हो कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।